सो गाइस अभी बज रहे हैं 5:15 जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और 5:25 हो रहा है। थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं आपको बाहर का भी अभी व्यू दिखाती हूँ 5:30 बजे कैसा है। 5:30 यू कैन सी माई फेस, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। और आज मैं जल्दी 5 बजे बताऊँगी क्यों उठ गई थी। हम लोग डिसाइड हो गया था कि नहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्लड बंद हो गया था बेबी के नाक का। तो आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी, बताऊँगी कि एक्चुअली क्या हुआ था। अभी सो रहा है मेरा बेबी, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी ज़्यादा, और तो मैं बाद में आपको वीडियो बना के लिए बताऊँगी। तो अभी बज रहे हैं दिन के 7:10 हो रहा है, और मैंने उस वक्त आप लोग को दिखाया 5:15 हो रहा था। तो मुझे 2 घंटे लगे पूजा वगैरह करने के लिए, और तब तब से मतलब मुझे राहत ही नहीं हो रहा था, बेचैनी जैसी हो रही थी। लेकिन फिर मैंने अभी देखा, उठ करके पूजा करके जब उठी देखी कि मेरा बेटा सो रहा है। तो मैंने उसके मतलब आज पहली बार हुआ कि आज है सैटरडे नाइट को हम लोग ऐसे ही खा पी के सोए, और संडे मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह उसने वो उठा वॉशरूम के लिए 4:00 का। मैंने देखा बेड शीट पे, मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने सिर्फ फ़ोटो लिया जस्ट टू शो द डॉक्टर। हम लोग उस वक्त 4:00 को, मैं तो रेडी हो गई थी कि मैं अभी जाएंगे इमरजेंसी में ही डॉक्टर को दिखाएंगे। और मैं ना मुझे ना चक्कर से आने लग गया, एकदम टेंशन इतना ज़्यादा हो गया, मुझे लगता था ये भगवान क्या ही हो गया। तो इतना मेरा बेटा क्या बोल रहा है, मम्मी मम्मी कुछ नहीं हुआ है, मम्मी कूल डाउन कूल डाउन। तो फिर पानी पियो, मैंने उसको पानी दिया, उन्होंने पानी दिया बाबू को, वो मुझे पिलाया कि नहीं मम्मी तुम पहले पानी पियो, मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। इतना ब्लड आया उसके पूरे हाथ, दोनों हाथों में एकदम इतना ज़्यादा ब्लड था। जब वो वॉशरूम करने गया तो मुझे नहीं पता मुझे ब्लड कहाँ से आया, सोचिए तक मुझे बाथरूम से बोलता है मम्मी मेरे हाथ में ब्लड लगा हुआ है। मैं तो मतलब सोचो कि मेरी क्या स्थिति रही उस वक्त, मैं तो बस एकदम से मतलब मत ही पूछो, मैं बोल ही नहीं सकती, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तो फिर वो आया बाहर, तो मैंने देखा उसके हाथों में लगी, मैं उसके पूरे नाक में देखा मैंने ब्लड ब्लड ब्लड। मेरा तो लगा मैं उसी वक्त में बेहोश हो जाऊँगी, मुझे लगा मेरे बॉडी से किसी ने शक्ति ही छीन ली हो, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ। तो मैं आप फ़ोटो डाल दूँगी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम उस वक्त पता है 4:30 को एकदम रेडी हो गए थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, और हम इमरजेंसी में ही जाते क्योंकि आज संडे है, तो मोस्ट ऑफ़ द डॉक्टर इमरजेंसी वाले ही ज़्यादा होते हैं, और जो OPD वाले होते हैं वो नहीं होते हैं यहाँ पर। तो मतलब मत पूछो मेरी जो हालत थी, बट क्या हुआ मैंने अपने, मैं तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन को, मेरे बहनोई को फ़ोन किया, तो मेरा भाई और मेरा बहनोई आया, और फिर हमने थोड़ा सा 10-15 मिनट वेट किया, फिर मैंने देखा कि ब्लड बंद हो गया। जब ब्लड बंद हो गया तो फिर पापा को, मेरा भाई भी आया हुआ था, उसको पता है कि ऐसा होता है तो मैं वैसे ही नर्वस हो जाती हूँ, मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है। तो मेरा भाई फिर पापा को फ़ोन किया, पापा फिर बताए ऐसे मतलब समझाए कि क्या करना है। तो मेरा तो फिर हमारे पास उस वक्त मेडिसिन था नहीं होम्योपैथ का, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मतलब उस वक्त फिर ब्लड फिर बंद हो गया। गाइस 4:30 बजे सुबह को मेरा ऐसा नौबत हो गया था कि बस हम और हॉस्पिटल जाने निकलने ही वाले थे, फिर देखा कि शरीर ऐसे नाक कर रहा था तो ब्लड नहीं आ रहा था, और जैसे जुकाम होता है ना बिल्कुल वो बोल रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी आप देख लेना, वो पूरा ब्लड का जो बेडशीट था उसके ऊपर ब्लड, और जिसपे सोया था उसके ऊपर एकदम से पैचेस पैचेस ब्लड। मैं इतना डर गई थी, लगता किसी ने सच में हाथ वाथ किसी का कट गया है, इतना ज़्यादा ब्लड। तो गाइस आज मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मैं 4:30 बजे उठ करके, और ये भी बोल रहा मम्मी मैं नॉर्मल हूँ, पर कोई बताओ कोई कैसे मानेगा कि नॉर्मल है, इतना ब्लड आया है। इसलिए मुझे लगता था कि हे भगवान कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बट वो एक्चुअली मैंने देखा बाद में तो वो नाक में अंदर से ब्लड मुझे फील हुआ कि आ रहा है, लेकिन बंद हो गया आना। तो अभी राहत है, अभी सो रहा है, तो हम देखेंगे थोड़े देर, और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम उसको हॉस्पिटल, कुछ नहीं हुआ तो नहीं लेके जाएंगे हम हॉस्पिटल, अगर मुझे लगेगा कि लेके जाना है तो हम इमरजेंसी में ही जाके दिखवाएंगे डॉक्टर को, अदरवाइज़ कल तो जाएंगे ही जाएंगे। तो चलो गाइस मैं ये वीडियो अभी डाल रही हूँ आप लोग देख लेना, और मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी जो मैंने डॉक्टर को दिखाने के लिए मैंने जो लिए थे।
क्लिक किए थे बेड पे, जो ब्लड के पैचेस थे, तो मुझे समझ ही नहीं, अभी भी मैं अभी दहशत में ही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, और क्योंकि मेरी डे टू डे लाइफ में बहुत 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 उथल पुथल हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं संभालूँ कैसे। और वैसे भी मैं संभालूँगी क्या, मैं क्या असिस्टी करता तो हूँ नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि भाई ऐसी नौबत ना आ जाए कि रातों रात हमें हॉस्पिटल भागना पड़े, ऐसी नौबत भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दिखाए। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ क्या हालत होती है उस वक्त माँ पे, क्या हालत है मेरी तो मत पूछो, मतलब मुझ में उठ के खड़ी नहीं हो रही थी, और मेरी मेरे मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया, इतना मुझे बोला ही नहीं जा रहा है कि लगता था कि भगवान क्या हो गया, भगवान मुझे दे दो, मौत दे दो मुझे। कहते हैं ना कि बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो लगता है कि बाप रे सडनली ऐसा हो गया, एकदम स्वस्थ था, नाक से ब्लड आना, देख कर क्या वो सो रहा है तो ब्लड मुझे नहीं दिख रहा, अंदर तो मुझे रेड दिख रहा है बट बाहर ब्लड नहीं आ रहा है। देखते हैं उठता है सो के क्या है, अगर ठीक रहेगा तो भगवान करे ठीक ही रहे, ये सब चीज़ अच्छा चीज़ तो होता ही नहीं हॉस्पिटल जाना, बट मेरा और हॉस्पिटल का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है ना, भगवान मेरे दुश्मन को भी ऐसा रिश्ता गहरा हॉस्पिटल से ना रखवाए भाई, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है सच में बताओ। आज मैं 4:30 बजे से सोई नहीं हूँ, किया है बिल्कुल ठीक है, मैंने तो देखा है ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। हो सकता है मैं लाइव ना आऊँ, मे बी हो सकता है मैं अपडेट ना रहूँ, तो गाइस आप लोग बस प्रे करो कि वो ठीक रहे, बस मैं यही। डर बहुत ख़राब चीज़ होता है, बहुत ख़राब चीज़ होता है डर, बहुत मतलब डर आपको ना हुआ हो जो चीज़ उसको प्रिटेंड करके ही हालत ख़राब कर देता है, लेकिन डर तो हो ही जाता है। तो ठीक है गाइस, मैं वीडियो पे ही एंड करती हूँ और नेक्स्ट अपडेट में आपको ज़रूर दूँगी, ठीक है, जय श्री राधे।